नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में हमारे साथ हैं सतबीर बौद्ध जी। सतबीर बौद्ध जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतबीर जी, एक बात बताइए, आज सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई जा रही है, जो बताते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है। अगर ऐसी ही कोई मूर्ति बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोतों की लगाई जाती, महान पुरुषों की लगाई जाती, तो आज पूरी मीडिया, सारी दुनिया उसकी एंटी होती। लेकिन आज इस मूर्ति के ऊपर कोई विषय नहीं है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मेन चीज़ ये है कि जो मीडिया में आज के टाइम में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारी मीडिया मनुवादियों की मीडिया है, और वो लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं। आप देखते होंगे कि अभी पिछला 14 अक्टूबर को जो धम्म दीक्षा स्थल है नागपुर में, वहाँ पर लाखों लोग आते हैं, लेकिन कोई भी मीडिया उसको नहीं दिखाता। तो अपने जो बहुजन समाज में अगर कोई मूर्ति, अगर छोटी भी आप प्रतिमा किसी की लगाते हैं, तो उसको इतना बवाल खड़ा कर देते हैं ये लोग कि जन कहाँ से इन लोगों ने अपनी इनकी जेब से पैसा लगा हो, जबकि ये पैसा हम सबका पैसा है। हमारे मानव जो हैं उनकी अगर स्टैचू लगाते हैं तो हमारे वो प्रेरणा सहायक बनते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने चाहे भवनों के लिए, मंदिरों के लिए, या किसी की स्टैचू बनाने के लिए अगर इन्हें 3,000-4,000 करोड़ अगर खर्च करना हो, तो ये खुशी खुशी कर देते हैं, क्योंकि ये पैसा इनका नहीं है, ये पैसा बहुजन समाज का है। और बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके तो नाम इन लोगों ने लेना ही बंद कर दिया है। और मीडिया की देखें तो आप पूरे दिन देख लीजिए, किसी भी चैनल पर जाकर देख लीजिए, सारे के सारे चैनल जो है ना मीडिया वालों के हैं, और मीडिया वाले जो लोग हैं वो अपने ही लोगों की ज़्यादा वहाँ पर प्रवेश गुजारी को करते हैं, पैरवी करते हैं। हमारे जितने भी लोग, चाहे वो पदक जीत के लाएँ, स्वर्ण पदक जीत के लाएँ, या है वो महामानव बन जाएं, या उन्होंने कितने भी बड़े इतिहास रचे हों, उनका अगर न्यूज़ दिखाएंगे तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए बाद में उनका न्यूज़ आना ही बंद हो जाएगा। तो ये जो आज हमारा भारत का जो इंडिया है, ये बहुत ही ख़राब मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, और इससे हम कोई भी मतलब उम्मीद नहीं रख सकते। ये सिर्फ बहुजन समाज को गिराने में और अपने समाज को खाने में लगा हुआ है। सतबीर जी, एक बात और बताइए कि अगर ये बहुजन समाज के, जैसे लास्ट टाइम बहन कुमारी मायावती, इसकी वजह से पूरा का पूरा अपना शासन, उसकी वजह से मूर्तियों की वजह से जाना पड़ा था, तो कहाँ लगता है कि ये जो काम मायावती का था, ये गलत था या सही था? नहीं, मायावती जी ने जो काम किया था, बहन जी का काम हम माने तो देश के अंदर बहुत ही अच्छा काम था, क्योंकि ये देश जो है बुद्ध की धरोहर है, और यहाँ पर जितने भी महापुरुष, जो महामानव, जिन्होंने समतामूलक समाज के लिए जिन्होंने काम किया है, आप देखेंगे कि स्वामी पेरियार से लेकर के बाबा खागड़े और साधु फूले जी, ज्योतिराव फूले जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सरदार पटेल हैं, या और दूसरे अन्य जो हमारे बहुजन समाज में जन्मे लोग हैं, उन लोगों ने बहुजन समाज के ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर उन्होंने ऐसे इतिहास बनाने की उन्होंने कोशिश की है, ताकि हमारा आने वाले जो कल है, आने वाले जो पीढ़ी है, वो उनको ना भूल जाएँ। क्योंकि मनुवादी लोग तो चाहते हैं कि इनका इतिहास ही ख़त्म हो जाए, लेकिन बहन जी ने जिस तरह से वहाँ पर लगाए हैं, बहुत ही अच्छा और प्रेरणा स्रोत के कायम है, उनको हमें जो है सलूट करना चाहिए और उनसे सबक सीखना चाहिए, उन ऐसे नेताओं को जो उच्च पदों पर बैठे हैं लेकिन वो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहन जी का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा मार्गदर्शन उनके लिए है।